हेलो गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूँ आपकी अपनी शिवागी हवाई फ्रेंड्स आप लोगों को तो पता ही होगा ना कि मैं अपने चैनल पे बहुत सारे होम इन्ग्रीडियंट्स एंड होम रेमेडीज लेकर के आते रहती हूँ जो कि आपकी डेली लाइफ को इम्प्रूव करते हैं एंड फ्रेंड्स अगर आप लोगों को कोई सा भी स्किन केयर हेयर केयर की के प्रॉब्लम होती है उसका सारा का सारा समाधान ना मैं अपने चैनल पर देती हूँ है ना तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो आज का टॉपिक है हमारा हम लोग आज घर पर

पोटैटो में एंटी भरपूर मात्रा में पाया जाता है एंड साथ ही साथ ना पोटैटो जो होता है ना आलू ये आप लोगों के पिगमेंटेशन डार्क सर्कल डार्क पैचेस को दूर करने में राहत देता है है ना तो आज की इस वीडियो में हम लोग पोटैटो सीट मास्क बनाने वाले हैं जो कि आप लोगों को घर पर ही बना सकते हो एंड कहीं भी बाहर बाहर से फेस मास्क लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड इस इंग्रेडिएंट को ना आप यूज़ कर सकते हो हफ़्ते में दो से तीन बार क्योंकि दो से तीन बार अगर आप लोग इसे यूज करते हो ना तो आप लोगों के फेस के जितने भी डार्क सर्कल होंगे पिगमेंटेशन होंगे वो चली जाएगी एंड ज़्यादातर लोग पोटैटो का यूज़ करते हैं अपने डार्क सर्कल को हटाने के लिए तो आप लोग इस मास्क का यूज़ ना अपने डार्क सर्कल को हटाने के लिए भी कर सकते हो एंड अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कर जरूर करिएगा एंड मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए एंड uh, मेरा इंस्टा पेज है वो भी जरूर से जरूर फॉलो कर दीजिएगा सो so, चलो चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ इस पोटैटो सीट मास्क को बनाना बहुत ज्यादा आसान है इसके लिए आप लोगों को घर में रखे आलू ले लेना है इसे आप लोगों को चॉप्ड कर लेना है कुछ इस तरीके से एंड इसके बाद में ना आप लोगों को इसे ग्राइंडर में पीसना है सबसे पहले तो इसे पीसने से पहले आप लोगों को इसको कर लेना है वाटर में वॉश ओके okay, क्योंकि इससे जितने भी इसकी गंदगी होगी वो निकल जाएगी एंड उसके बाद में आप लोगों को ग्राइंडर में इसे पीस लेना है हल्का सा पानी डाल करके जैसे आप लोग पीसते हो ना उसके बाद में ना इस तरीके का आप लोगों को पेस्ट मिलेगा ओके okay, आलू का ये देख सकते हो आलू का रस एंड पल्प साथ में रहता है इसमें से आप लोगों को जो इसका रस है ना वो अलग कर लेना है इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक छन्नी का जिसमें मैं अच्छे तरीके से ये रस को अलग कर लूँगी क्योंकि आलू के रस में ना एंटी बैक्टीरियल भी गुड़ रहता है एंड साथ ही साथ ना एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी रहती है ये आप लोगों के फेस के डार्क सर्कल्स पिंपल्स एंड डार्क स्पैचेस को दूर करता है इसे छान करके आप लोगों को कोई सा भी बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है उसके बाद में ना आप लोगों को इसमें कुछ इंग्रीडियंट्स मिलाने हैं इसमें मिलाना है आप लोगों को एलोवेरा जेल इसको आप लोग मिला सकते हो करीबन एक से दो चम्मच के लिए एंड उसके बाद में आप लोगों को मिलाना है इसमें रोज़ वाटर रोज़ वाटर जरूरी है एंड सीट मास्क का क्ले इसमें आप लोगों को मिला लेना है ये कंप्रेसर सीट मास्क आप लोग चाहोगे तो टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हो लेकिन मैं पास कर रही हूँ कंप्रेसर सीट मास्क का यूज़ इसे जैसे ही हम लोग सॉल्यूशन में डालते हैं ना ये क्या हो जाता है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है कुछ इस तरीके से इसे ये सीट मास्क का रूप ले लेता है ओके एंड ये पेपर टाइप का होता है इसे आप लोग सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हो ओके okay. एंड इसका ईच का कॉस्ट आप लोगों को पाँच रुपये ही पड़ता है ज़्यादा नहीं पड़ता है उसके बाद में आप लोगों को इस तरीके से सेट से मास्क अप्लाई कर लेना है एंड इसके बाद में आप लोगों को इसे छोड़ देना है पाँच से दस मिनट के लिए एंड उसके बाद में ये सेट से मास्क उतार लेना है टाइम होने के बाद में एंड इससे आप लोगों को विजिबल ग्लो मिलेगा आप लोग इसे हफ्ते में दोबारा ट्राई ज़रूर करना सो वो फ्रेंड्स आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि इस तरीके के ब्यूटी टिप्स मैं आप लोगों के लेकर के आते ही रहती हूँ एंड साथ ही साथ में आप लोगों को स्किन केयर हेयर केयर भी मिल जाएगा प्लस मेरे चैनल पर आप लोगों को मेकअप ट्यूटोरियल एंड हॉल वीडियो भी देखने को मिल जाएगा तो अगर कोई भी लाइफ स्किन केयर से वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरा चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड मेरे इंस्टा पेज को भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा सो फ्रेंड्स होप आप लोगों को, को यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा एंड फ्रेंड्स क्योंकि देखो ये जो मैंने आप लोगों को सीट मास्क बताया है ये सबसे पहले तो अफोर्डेबल है घर में हम लोग सब्जी वब्जी में यूज करते हैं आलू तो बस आलू के रस से ही आप लोग ये सीट मास्क बना सकते हो एंड रही बात वो छोटे से कैप्सूल की जो कि आप लोगों को कंप्रेसर सीट मास्क बोलते हैं वो आप लोगों को अमेजोन में आसानी से पाँच से लेकर छह रुपए में मिल जाएगा ओके okay? तो आप लोग इसी तरीके से ना अपना जो सीट मास्क है वो सिर्फ दस में ही बना सकते हो अपने घर पर सो so, चलो फ्रेंड अब मैं चलती हूँ ओके, okay. सो so, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय